यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। यो 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 भाई लोग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग गाइस यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ गाइस मैं आप सभी लोगों का हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर गाइस। ठीक है, फिलहाल फ्रैंकलिन के यहाँ पर व्लॉग्स वगैरह चल रहे हैं। इस टाइम अपना फ्रैंकलिन चाचा, अपना कलवा बाऊ बहुत ज़्यादा टेंशन में है यार, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। गर्लफ्रेंड आने वाली है आज, यानी कि नताशा जी आज आने वाली हैं। बट ओए वो देखो कैसे चौड़ में जा रहा है पीछे पर भैया। यहाँ पर फ्रैंकलिन इसलिए इतनी सोच में डूबा हुआ है, क्योंकि नताशा जी को यहाँ पर दोस्तों गिफ्ट देना है। और ना तो भाई फ्रैंकलिन की समझ में आ रहा है यहाँ पर नताशा जी को क्या गिफ्ट देना चाहिए, और ना ही दोस्तों मेरी समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं तो भाई इसको क्या रहा हूं। पहली बात तो ये एक गाड़ी मांग कर लेकर जाने वाला है वहां पर, ठीक है ना। फिलहाल फ्रैंकलिन के पास तो भी इतना पैसा है नहीं कि भाई ये गाड़ी भी अफोर्ड कर पाए। जितनी भी पहले कार्स वगैरह थी वो सब तो दोस्तों यहां पर आपको पता है क्या सीन वगैरह हो गया था, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी बस ये हायाबूसा ही है। अभी तो एक कार लेकर जानी है सबसे पहले नताशा जी को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट से। और आज नताशा जी को मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कहीं एक अच्छी सी जगह पर ले जाकर उनको एक डिनर करा दिया जाए। आपका इस बारे में क्या कहना है एक बार कॉमेंट करके बताओ। खैर मुझे तो यार यही लगता है कि नताशा जी को ना कहीं अच्छी सी रेस्टोरेंट पर ले जाकर ना दोस्तों डिनर वगैरह करा देना चाहिए। बहुत दूर से आ रही है। अब यार फ्रैंकलिन इतनी देर से ऐसे उदास बैठा हुआ है, मुझसे पूछने लगे कि आरिश भाई आप बता दो क्या दूं यार मैं अपनी नताशा जी को। मैंने तो यार सीधा बोल दिया, मैंने कहा भाई यार यहाँ पर मायूस होने की क्या बात है। देखो यार बेचारा मायूस सा कैसा खड़ा है यहाँ पर। फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर एक होटल है, हम इसके पास यहाँ पर रहते हैं, द डेड अर्टिन ऑफ लॉस एंटोस, ठीक है। और जस्ट सामने ही दोस्तों हॉस्पिटल है इमरजेंसी वहाँ पर। तो मैं जस्ट ऐसे यहाँ पर खड़ा तो बेचारा फ्रैंकलिन यहाँ पर दोस्तों सोचे पड़ गया। खैर दोस्तों ज़्यादा सोच में यहाँ पर नहीं डूबते हैं, आज हमें बहुत सारे काम करने हैं। बेसिकली काम वगैरह को आज साइड रखा जाए क्योंकि आज हमारी नताशा जी दोस्तों आने वाली है। सबसे पहले उनको पिकअप करने के लिए मुझे यहाँ पर कार की ज़रूरत होने वाली है। सबसे पहले उस कार के इंतजाम के लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर अपने एक फ्रेंड के पास जाना पड़ेगा जिसका नाम है जिमी डिसेंटा। जी हाँ, आप जिमी को तो जानते हो दोस्तों, जो माइकल का बेटा है, क्योंकि अभी तुम्हें पता है यार माइकल के पास बहुत सारा पैसा है। अरे हेलो आंटी जी, कहाँ जा रही हो। तो गाइज़ आपको पता है माइकल दादा के पास तो गाइज़ यहाँ पर बहुत सारा पैसा है। तो माइकल दादा को यार यहाँ पर किस चीज़ की क्या ज़रूरत होने वाली है, ठीक है ना। तो भाई मैं जिमी को बोल रखा है मैंने कि तेरी आंटी नताशा जी आने वाली हैं आज ना मुझे वो गाड़ी वगैरह चाहिए। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी हायाबूसा मेरे पास खड़ी कर चले जाना और गाड़ी ले जाना। तो अभी चल रहा हूँ दोस्तों मैं सीधा का सीधा यहाँ पर जिमी के पास। और गाइज़ मुझे ना वो गाड़ी चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, और लेकर जाना है दोस्तों नताशा जी के पास, ठीक है ना। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आज भाई अपनी बीएड भी चेंज कर लो। गाइज़ मुझे देखो बीएड वगैरह भी यहाँ पर चेंज करनी है। बहुत सारे लोगों की शिकायत आ रही थी बीएड को लेकर, भाई बीएड चेंज करो, अपनी बीएड चेंज करो। कोई नहीं, इस वीडियो में भाई बीएड भी चेंज हो ही जाएगी, पुराने वाली बीएड आ जाएगी। वैसे मैं वर्सेचे की टी शर्ट पहन रखी है मैंने कल से, मुझे इस टी शर्ट को भी दोस्तों चेंज करना है, कुछ और पहनूंगा। फॉर्मल वॉर्मल पहनने की सोच रहा हूँ मैं तो, ठीक है ना। आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज़ एक बार कॉमेंट करके ज़रूर से बता देना, ठीक है ना दोस्तों। चलिए जल्दी से हम चलते हैं यहाँ पर जिमी के पास। अरे भाई साहब क्या एग्जॉस्ट की आवाज़ कितनी ज़्यादा खतरनाक आती है ना यार ऐसी जगहों में। बाकी हायाबूसा बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है गाइस। बाकी यार दोस्तों आपको ग्राफिक्स की क्वालिटी कैसी आ रही है एक बार प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है ना। और मैं जो जिमी की येलो कलर की रोल्स रॉयस है मैंने वो मंगाई है दोस्तों, देखता हूँ शायद उसने लाकर रख भी रखी है दोस्तों, या फिर नहीं, या फिर मेरा पागल वागल तो बनाने की सोच रहा कब। मुझे लग रहा है कोई बहाना वहाना मारते। वैसे दोस्तों जिमी है नहीं ऐसा, वो बहानाबाजी नहीं करता है, बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा बच्चा तो बहुत है, वो बहानेबाजी उसने आज तक नहीं मारी दोस्तों मेरे साथ, आज क्यों मारेगा, है ना। चलते हैं उसके पास, लगता नहीं मुझे भाई वो बहानेबाजी यहाँ पर मारने वाला है। बाकी भाई ऊपर वाले को ही पता होगा आगे का खेल जो क्या है, ठीक है ना। चलते हैं उसके पास। ओले 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 मेरा बेटा, ओले ओले ओले। अरे टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं, तेरी गाड़ी पे एक भी स्क्रैच नहीं आने दूंगा, सिंगल स्क्रैच नहीं आएगा, भरोसा कर मेरे ऊपर मेरे बाप, एक भी स्क्रैच नहीं आएगा। तो गाइस मुझे कह रहा है अगर अंकल जी गाड़ी के ऊपर एक भी स्क्रैच आ गया ना तो नई गाड़ी लूंगा, ये गाड़ी नहीं रखूंगा। मैंने कहा यार नहीं कुछ नहीं होगा भाई, तेरी गाड़ी को जैसे तेरी गाड़ी यहाँ पर है वैसे ही लाकर खड़ी कर दूंगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा। बाकी तेरा ओरियो कहाँ है, लगता है वो प्लेबॉय मैंशन में होगा। मैंने जान पूछ के यहीं पर दोस्त से गाड़ी मंगाई है, गाड़ी प्लेबॉय मैंशन में खड़ी होती है, माइकल इसको बहुत लेकर जाता रहता है। तो मैंने इससे पहले ही पूछ लिया था कि माइकल से बहाना मार देना कि मुझे कहीं पर जाना है, मतलब इसी को कहीं पर जाना है। तो गाइस मेरी हायाबूसा लेकर ना यहीं पर शहर में कहीं चक्कर मारेगा, अपने फ्रेंड्स के घर चला जाएगा, और फिर मैं बाद में इस गाड़ी को यहीं पर छोड़ दूंगा नताशा जी को घर पर छोड़ने के बाद, और फिर बाइक लेकर चला जाऊँगा, ठीक है ना। ठीक है भाई जिमी,
हाँ ज़्यादा बेटा गुस्से से नहीं देखा करते, जा वो हायाबूसा ले जा चल। तो गाइज फाइनली रोल्स रोल्स तो मिल चुकी है अपनी नताशा जी को ले जाने के लिए। चल मैं मिलता हूँ, ठीक है चलो ओके। तो गाइज फाइनली रोल्स रोल्स आ चुकी है यार मेरे हाथों में, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी लग रही है यार। देखो ये नताशा जी को लाने के लिए एक स्पेशल व्हीकल तो दोस्तों यहाँ पर चाहिए ही था, ठीक है ना। अब आज भी अगर मैं उनको ऐसी बेकार सी गाड़ी के अंदर लेकर आता ना, तो भाई फिर वो यही मुझे हमेशा ना ताना मारती रहती कि फ्रैंकलिन तुमने मेरे लिए यहाँ पर किया ही क्या है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। आज मुझे दोस्तों अच्छा लुक देना है, ठीक है। रुक जाओ मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्किंग में लगा देता हूँ, मेरी नहीं है बेसिकली, जिमी की कार है, एक बार अच्छे से लगा देता हूँ क्योंकि भाई पुलिस वुलिस ने देख लिया ना, वैसे यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा सख्त चल रहा है, तो फालतू में चालान वालान कट जाएगा अगर नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी होती है, ठीक है ना। चलिए जल्दी जाकर मैं यहाँ से ना एक सूट वगैरह पहन लेता हूँ, मुझे एक फॉर्मल पहनना पड़ेगा। हेलो आंटी जी, क्या हाल है आपके? आई होप कि बहुत अच्छी होंगी और मज़े कर रही होंगी आप भी। चलिए तो दोस्तों देखते हैं क्या अच्छा लगेगा मेरे ऊपर। ये अच्छा लगेगा यार, मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है ना। थैंक यू सो मच। अरे आपको तो पता ही है मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़का हूँ, आपको तो पता है, आप तो मुझे जानती हैं, है ना। चलिए मैं मिलूँगा आपसे। तो गाइज बहुत अच्छा लग रहा है फ्रैंकलिन, बस मुझे यहाँ पर एक आगे वाली शॉप पर जाना है, और दोस्तों उस आगे वाली शॉप पर जाने के बाद ना मुझे अपनी यहाँ पर दोस्तों बियर्ड सेट करानी है एक बार, ठीक है ना। वो आगे है, अगली गली में ही है दोस्तों, यहाँ पर नाई की दुकान भी। चलो जल्दी चलते हैं आराम से, क्योंकि भाई आगे पीछे का ध्यान रखना पड़ता है इस गाड़ी को चलाते हुए। एक तो इतनी चौड़ी गाड़ी है, मैं आपको दिखाऊं अंदर से भी, देख कितनी ज़्यादा प्यारी गाड़ी है। जिमी को इसके ससुर ने दी थी, जो नया वाला है ना उसने। चलो ऑल राइट, तो बेसिकली और भी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, तो मैं बिल्कुल इसको यहाँ से मिलाकर ही खड़ी करता हूँ भाई, ताकि भाई कोई टिकट वगैरह ना कट जाए इस गाड़ी पे। टिकट का इस चालान को ही कहते हैं, लॉस सैंटोस में चालान को बस टिकट कहा जाता है, ठीक है ना। हेलो जी, क्या हाल चाल, जा रही हैं तोड़े नाल मिलने हो गए बड़े साल। हेलो बड़ी, यार बस मेरी यहाँ पर ना बियर्ड बनानी है एकदम मस्त वाली, ताकि मेरी जो गर्लफ्रेंड आ रही है ना वो एकदम देखती ना फ्लैट हो जाए ब्रो, ठीक है। चल बियर्ड या व्हाट्स योर सेंट, आई एम इन लव विद इट। ओके मेरा सेंट देख रहा है, $100 की कैरिस ने लिया है। चल कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लग रहा हूँ मैं, थैंक यू सो मच बड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा, सी यू अराउंड। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई तेरा, चल मिलूंगा फिर मैं तुझसे बाद में। तो गाइज फाइनली यार हमने यहाँ पर अपनी बीएड वगैरह एकदम अच्छे तरीके से दोस्तों यहाँ पर सेट करा लिया, ठीक है ना। अब दोस्तों जल्दी से यहाँ पर नताशा जी की फ़्लाइट का भी एक बार वक्त हो रहा है, ठीक है ना। चलिए मैं जल्दी से दोस्तों एयरपोर्ट के लिए यहाँ पर निकलता हूँ, क्योंकि भाई अगर नताशा जी को यहाँ पर वेट कराया तो भाई जानते हो ना क्या हो सकता है। पहले तो गाइज नताशा जी यहाँ पर अपने प्राइवेट जेट में आया करती थी, अब मुझे आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा यार। चलिए यू टर्न ही लेना है, फुटपाथ पे भी चढ़ी जाती है गाड़ी। तो गाइज पहले नताशा जी अपने प्राइवेट जेट में आती थी, बट अब नहीं, पहले चलते हैं। ऑलराइट गाइज, तो यार मैं यहाँ पर टाइम रहते ही पहुँच गया, नताशा जी की फ़्लाइट जस्ट अभी लैंड ही हुई है गाइज यहाँ पर। मैं फालतू में दोस्तों यहाँ पर डर रहा था कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा वक्त रह जाएगा, क्या इतना भी ज़्यादा वक्त यहाँ पर हुआ नहीं, और हम फ्लाइट के लैंड होने के जस्ट एक मिनट के बाद ही हम यहाँ पर आ चुके हैं। यार ये प्लेन बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, आ जाओ। तो गाइस पहले एक बार हम फ्लाइट को यहाँ पर लैंड होने ही देते हैं, ठीक है ना। मैं गाड़ी को यहाँ पर पार्किंग में लगाकर खड़ी करके रखता हूँ, आ जाओ भैया। मैंने गाइस यहाँ पर गाड़ी को लगा दी, खैर ये पार्किंग नहीं है, बट दोस्तों जो भी है अब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कह ही सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए फाइनली गाइस नताशा जी का जो प्लेन है वो यहाँ पर आ चुका है। मैं बहुत ज़्यादा वो कर रहा था यहाँ पर कि भाई जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल, कहीं नताशा जी की फ़्लाइट ना आ गई हो, पर दोस्तों ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, नताशा जी की फ़्लाइट अभी अभी आई है, जस्ट इस टर्मिनल में अंदर जाएगी क्या, लगता है रुक गई है। अब देखते हैं दोस्तों, आने देते हैं उनको एक बार ऊपर से नीचे उतर कर। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर भाई जो है फ्लाइट जा चुकी है, बच्चे जो हैं अपनी आँखें वगैरह बंद कर लें। यार गाइस फिलहाल नताशा जी यहाँ पर आ चुकी है, भाई देखो यार नताशा जी के आने के बाद भाई फ्रैंकलिन यार नताशा जी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है, लिटरली भाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। तो गाइस अब यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है
नताशा जी से पहले भाई बात करी तो यहाँ पर एक डबल खुशखबरी है नताशा जी की, जो भाई यहाँ पर कंपनी जो नताशा जी भाई यहाँ पर चला रही है ना अभी, तो भाई आप सभी लोग यहाँ पर कुछ अलग ही सीन देख पा रहे हो भाई, वो थोड़ा सा प्यार वगैरह चल रहा है उसको इग्नोर करना ठीक है। तो गाइज बेसिकली यहाँ पर जो भाई नताशा जी की जो कंपनी है उसमें अंदर यहाँ पर थोड़ा सा उनको प्रॉफिट वगैरह तो हुआ था, तो नताशा जी को यहाँ पर ना एक बोनस मिला है, तो नताशा जी थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा यहाँ पर लेकर आई, तो कह रहे हैं मेरे पास तुम्हारे लिए यहाँ पर गिफ्ट है क्योंकि इनकी एनिवर्सरी आने वाली है ना, तो एनिवर्सरी पर एक दूसरे को दोस्तों गिफ्ट देते हैं। तो फ्रैंकलिन ने तो सोच रखा है भाई, मैंने सोच रखा मैं क्या दूंगा, नताशा जी का नहीं पता भाई वो यहाँ पर क्या देने वाले हैं। अरे भैया कब तक करते रहोगे, चलो बस घर भी जाना है, यहीं पर सब कुछ होता रहेगा, चलो बस घर भी चलना है। तो भाई बहुत टाइम के बाद मिला ना, तो भाई तब ऐसे मिलते हैं, बहुत टाइम के बाद जब मिलना होता ना तब भाई ऐसे मिलता है, तो चलो जल्दी से घर चलते हैं यार। चलो भाई फ्रैंकलिन बबुआ बहुत हो गया, चलो गाइस मैंने इनका सूटकेस तो रख दिया भाई गाड़ी के अंदर, आ जाओ गाड़ी में बैठो, चलो जल्दी से आगे आ जाओ ना, पीछे वैसे भी क्या बैठोगी, लग्जरी फील लेना है मैडम को, मैडम तो लग्जरी फील लेंगी ना तो आगे कैसे बैठ सकती हैं। मज़े लेती हैं यार मुझसे, बस क्या ही बोलूँ यार मैं। नताशा जी वैसे बहुत नटखट हैं यार गाइज, ये बात तो आपको यहाँ पर माननी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा नटखट हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। चलिए खैर कोई बात नहीं दोस्तों, इसी का नाम तो खैर गाइज यहाँ पर ज़िंदगी है ठीक है ना। अभी चलिए दोस्तों नताशा जी को इस टाइम तो अभी खैर कहीं पर जाना भी नहीं होगा, अब सीधा यहाँ पर घर ही चलते हैं ना, और किधर जाकर भी क्या ही करेंगी, इस वाले रास्ते से नहीं पीछे वाले रास्ते से चलेंगे। चलो ये वाला भी ज़्यादा सही है, चलिए। अरे खोल दो चाचा, अरे ओ हरीशचंद्र चाचा खोल तो दिया करो तनिक दरवाजे को, दरवाजा भी नहीं खोलते हैं, कैसे बेवकूफ लोग हैं दोस्तों यहाँ के। चलो क्या सही नज़ारा आ रहे हैं दोस्तों अपनी गाड़ी चलते हुए, एक नंबर। खैर नताशा जी को दोस्तों शहर में बहुत टाइम के बाद यहाँ पर लोगों ने देखा है, आई मीन कह रही हूँ लॉस सैंटोस आज भी नहीं बदला है। खैर वाइस सिटी में रह कर ना दिमाग भाई थोड़ा सा वाइस सिटी जैसा ही हो गया है मैडम का, जैसे बातचीत मैंने करी, बट कोई बात नहीं यार अपना यहाँ का भी सीन सही चलता रहेगा, क्यों भाई नताशा जी हैं यहाँ का सीन भी सही चलता रहेगा, चलिए चलते हैं फिर। तो गाइस फिलहाल अब सबसे पहले तो मैं घर पर जाने वाला हूँ, घर पर जाने के बाद ही मैं कहीं पर चलूँगा, एक बार नताशा जी चेंज वगैरह कर लेगी ना दोस्तों, क्योंकि अभी फ़िलहाल सीधा कहीं और जाना या फिर कहीं और, क्योंकि शाम तक तो है दोस्तों मेरे पास ये वाली गाड़ी ठीक है ना, शाम को ही देने जाऊँगा मैं, तो उससे उसके बाद ना हम थोड़ा सा कहीं पे घूमने चलेंगे है ना, कहीं ऐसे नताशा जी को थोड़ा सा घुमा वुमा दूंगा तो भाई और भी ज़्यादा सही सीन रहेगा है ना दोस्तों, क्योंकि वरना इतने टाइम के बाद आई हैं फिर बोलेंगी तो है ही ना। और शोरूम के ऊपर दोस्तों आज मैंने एक लड़का है जो कि मेरा दोस्त ही है उसको भेज दिया, तो जो कल आपको आपने देखा होगा मेरी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी तो वहाँ पर ना वो नताशा यार इसमें बोलने की क्या बात है, तू जस्ट मेरे पे एक बार कॉल कर देती मैं बस क्या बोलूँ मैं उसे, मैं उसकी वही मुंडी रगड़ देता। तो गाइस यार एक लड़का था जो कि फ़्लाइट के अंदर नताशा जी को बहुत ज़्यादा घूरे जा रहा था, वो वाइस सिटी एयरपोर्ट से नताशा जी को घूर रहा था और बस यहाँ तक भी घूरता ही रहा, क्या इसकी गाड़ी को भाई जिमी की गाड़ी उसको अंदर कर देते हैं, वरना तो भाई फालतू में बोलना स्टार्ट कर देगा, बच्चा है भी ऐसा कि मेरी गाड़ी पर स्क्रैच मार दी धूप में खड़ी करी थी ये वो है नताशा, लगे जिसी में रखा रह दो बाद में उठा लेंगे, आ जाओ चलो आ जाओ जल्दी से आ जाओ। हाँ चलो तो गाइस चलिए आ जाइए अंदर चलते हैं, देखते हैं फिलहाल खाने पीने में कुछ स्नैक्स वगैरह पड़े होंगे तो है ना, थोड़ा सा टीवी वगैरह देख लेंगे, नताशा जी भी अभी बहुत टाइम के बाद आई हैं यार है ना, आ जाओ कॉफ़ी वगैरह बना लो, एक काम करो अपने लिए मैं थोड़ी देर बैठा हूँ आप भी बैठ जाओ कॉफ़ी वगैरह बना लो है ना। चलो टीवी चला दिया मैंने, आप एक काम करो टीवी देखो हैं, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाता हूँ एकदम स्पेशल वाली है, नताशा जी स्पेशल वाली कॉफ़ी पियेंगी ना, चलो रुक जाओ मैं बनाता हूँ अपनी नताशा के लिए स्पेशल वाली कॉफ़ी। दोस्तों मुझे नताशा जी के लिए एक प्यार भरी यहाँ पर कॉफ़ी तो बनानी बनती है ना, प्यार भरी दोस्तों कॉफ़ी नहीं नताशा जी यार कैसी बातें कर रही हो, उस टाइम पे ना बताऊँ क्या सीन हुआ था, आई मीन ये था कि जो तनीषा है वो घर पर आई थी ठीक है ना, बट उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता तुम्हें जिमी ने क्या यहाँ पर क्या बताया, दोस्तों यहाँ पर सीन बहुत गलत हो गया, जिमी जो बंदा है भाई वो मेरी बंदी के पीछे पड़ा है, हाँ नताशा जी को सेट करने के पीछे पड़ा है भाई। अब यहाँ पर सीन कैसे पता चला मुझे, जिमी नताशा जी को टेक्स्ट करता था जब नताशा जी वाई सिटी में थी और वहाँ पर उनको बोलता था आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो फिर मेरी बुराई करने लग गया, कह रहा है तनीषा घर पर आती है और फ्रैंकलिन अंकल घूमते रहते हैं उनके साथ, बहुत हंसता है ये है वो है, और दोस्तों जबकि हम दोनों की रोज़ स्काइप पर बात होती थी नताशा जी की और मेरी,
डेली स्काइप पर हम वीडियो कॉलिंग दोस्तों यहाँ पर करते थे, बट आज तक कभी ऐसा नहीं हो कि नताशा जी ने मुझे चीट किया, फिर मैंने भाई नताशा जी को चीट किया। देखो दोस्तों, रिश्ते में जो सबसे बड़ी बुनियाद होती है, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो होता है दोस्तों ट्रस्ट। अगर आप सभी लोग यहाँ पर ट्रस्ट ही तोड़ दोगे ना भाई अपनी बंदी का, तो भाई वो फिर कभी नहीं बना पाएगी, ठीक है ना। नताशा जी का भाई मेरे ऊपर ट्रस्ट बना हुआ है, तो भाई मैंने नताशा जी के ट्रस्ट को भाई अपने ऊपर यहाँ पर दोस्तों बना रखा है, ठीक है। बट दोस्तों यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्या नताशा जी को कॉफ़ी बहुत अच्छी लगी भाई, मैंने बना कर दी अपने हाथों से। क्या यार तुम्हारा भाई तो यार एकदम मस्ती चीज़ है भाई, जब नताशा जी बोलते हैं तो भाई बना ही देता हूँ। वैसे मैं किसी के लिए नहीं बनाता, सिर्फ और सिर्फ मेरा जो प्यार है दोस्तों वो है सिर्फ और सिर्फ नताशा जी के लिए। आपका इस बारे में क्या कहना है एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताना। बेसिकली नताशा जी के आने के बाद, इतने ज़्यादा टाइम के बाद आपको कैसा लग रहा है गाइज, एक बार प्लीज़ कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। बाकी यार नताशा जी को मैंने कहा है कि हम एक छोटे से कहीं घूमने जा रहे हैं, तो नताशा जी जो है फिलहाल अभी रेडी होने वाली है, ठीक है दोस्तों। और बात यहाँ पर कुछ ऐसी है भाई, जिमी सेट करने की कोशिश कर रहा था, बट भाई उनसे उम्र में भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसको अपना थोड़ा स्टैंडर्ड तो देखना चाहिए ना भाई। जिमी बिल्कुल ही दिमाग से बेवकूफ़ बच्चा है, बिल्कुल ही बेवकूफ़ है। चलो यार नताशा जल्दी से कॉफ़ी ख़त्म कर लो, निकलना भी है आगे, या बस पीती ही रहोगी सारी की सारी कॉफ़ी को, इतनी ज़्यादा टेस्ट लग रही होगी। टीवी भी बंद कर देना पीछे से, ठीक है। मैं आपको नताशा ये सब भी करना भी ज़रूरी है क्या, अभी तो हम घूमने जा रहे थे यार, ठीक है चलो आंखें मत दिखाओ। तो गाइस यार नताशा जी के कुछ रिश्तेदार हैं भाई जो कि यहीं पर रहते हैं आगे गांव वाली साइड पे, तो नताशा जी को उन्होंने बोला था कि वहाँ से कुछ सामान वगैरह लाने को, पता नहीं कैनी के अंदर भाई पता नहीं क्या भर के लाएंगे, वहाँ का पानी है भाई, वहाँ का पता नहीं क्या है। बाकी कह रही हैं बस ये उनके घर तक पकड़ाना है भाई, मैंने कहा ठीक है भाई चलो बैठो, ये भी पकड़ाते हुए चलेंगे। अब दोस्तों मैं नताशा जी को यहाँ पर क्या ही बोलता, ठीक है। आपको पता है मेरी बात तो नताशा जी बिल्कुल भी ना मानती, चलाती तो फिर भी अपनी मनमानी तो भाई अपनी करती है ना, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं भाई चलकर कौन इनके ऐसे रिश्तेदार हैं जो भाई यहीं पर रहते हैं। यार यहाँ पर नहीं रहते हैं, ये वाला इलाका क्रॉस करने के बाद जो पहाड़ी के उस तरफ जो एक वो आता है ना, आई मीन क्या कहते हैं, जहाँ पर बैंक भी है और है यार वहाँ पर कुछ है जगह है, वहाँ पर रहते हैं, ठीक है ना। बाकी मुझे भी नहीं पता इनके सगे रिश्तेदार हैं या फिर सौतेले हैं, ऐसे ही हैं भाई, ठीक है ना। बाकी आप देख के बताना कि आपको सगे या सौतेले भाई कैसे लग रहे हैं। खैर मुझे तो भाई, अरे आराम से, खैर मुझे तो भाई सगे भी लग रहे हैं। बाकी माइकल दादा प्रेसिडेंट जब से बने ना बहुत कुछ करा दिया उन्होंने, उन्हीं की गाड़ी आज मैं लेकर घूम रहा हूँ दोस्तों। क्या नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम अंकल जी, आपको सामान तो मिल गया ना अंकल जी आपका। खैर गाइज ये जो है दरवाज़ा खटखटा रहे हैं क्योंकि भाई इनकी जो बीवी है वो इनसे भाई नाराज़ है। ये जो है भाई नताशा जी के अंकल लगता है जो कि बचपन में इनके घर के आसपास रहते थे, तो इसके पापा के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, अब ये शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गए थे दोस्तों। तो इनकी बीवी से लड़ाई हुई है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रही है, वो लड़कर अंदर बैठी हैं भाई, और जो सामान वगैरह लाए थे नताशा जी ने वो इनको दे दिया है। खैर अंकल कोई बात नहीं, चलो लड़ाई झगड़ा तो होता रहता है, चलिए कोई बात नहीं, हम आपको और शर्मिंदा भाई नहीं करना चाहिए अंकल को, क्योंकि भाई वैसे इनकी बीवी भाई अंदर बहुत ज़्यादा नाराज़ वगैरह बैठी है, और ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी हमें मेहमानों को देखने के बाद। चलिए अंकल हम मिलते हैं आपसे, आ जाओ भाई नताशा जल्दी खिसक लो यहाँ से भाई। यार दोस्तों देखो बुढ़ापे में भी लोगों की बीवियाँ उनका मुँह पीछा नहीं छोड़ती हैं। नताशा बाबू इधर से आओ, पीछे से आओ, पीछे से आओ, हाँ पीछे से आओ। वो बेचारे अभी तक यार दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, उनकी बीवी दरवाज़ा नहीं खोल रही। चलो अंकल जी मिलेंगे हम आपसे बाद में, चलो भाई निकलते यार दोस्त यहाँ से। भाई अंकल की बीवी नताशा, कैसा अंकल था यार ये तेरा, उसकी बीवी दरवाज़ा ही नहीं खोल रही थी भाई साहब, एकदम मस्त सीन था यार दोस्तों, आपको देखना चाहिए था यार ये। यार बुढ़ापे में भी आने के बाद अंकल की बीवी उनके लिए दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है भाई साहब, क्या बात है यार। चलो यार खैर कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है सेनियोरिता। चलो चलते हैं दोस्तों जल्दी से, कि तुम्हारे चॉइस है ना, हमारी थोड़ी ना चॉइस है। चलो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर मैं बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ। खैर देखते हैं यहाँ का माहौल वगैरह कैसे हैं, क्योंकि थोड़ी सी नताशा जी कह रही हैं ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं फ्रैंकलिन, तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ। चलो गाड़ी को अपनी पार्किंग में लगा दिया था दोस्तों, गाड़ी की बहुत ज़्यादा हिफाजत मुझे यहाँ पर करनी पड़ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल। आ जाओ नताशा जी, चलो हाँ दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर दो वरना मेरी जान खा जाएगा वो। हाँ जाओ चलो जल्दी से, कोई नहीं जान खाएगा मेरी, ऐसे बोला था आज तो येलो, आपने येलो गाड़ी है मज़े ले रही हो, चलो आ जाओ। खैर गाइस नताशा जी को भी मैंने बताया नहीं कि रोल्स रॉयस मेरी है, इनको अपने नुकसान के बारे में मैं सोच रहा हूँ थोड़ी टाइम के बाद बताऊँ, क्योंकि अभी अभी तो बेचारी आई हैं, अगर अभी अभी मैं एक सदमा दे दूँगा ना तो खैर भाई आपको पता है भाई वो अच्छी चीज़ नहीं होती है दोस्तों, ठीक है ना। और कपल्स के लिए तो भाई देखो बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। चलिए हम अंदर चलते हैं,
कॉमेडी क्लब के अंदर। और राइट गाइस, हम अंदर आ चुके हैं और नताशा जी जो है मेरे पे थोड़ा सा यार यहाँ पर चिल्ला रही हैं। मैंने जो है नताशा जी को सब कुछ बता दिया और बेचारी थोड़ी सी इमोशनल हो गई हैं। ठीक है, अब देखो भाई, भले ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी भी है भाई, देखो प्यार तो झलकता है। भाई देखो फ्रैंकलिन देखो ऐसे चुपचाप खड़ा है, अपने हाथों की उंगलियों से ऐसे खेल रहा है, थोड़ा उन्हें नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा है। पर भाई पता है कि फ्रैंकलिन का दिल भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है नताशा जी से, उन्हें वो नहीं कर सकता। बेचारी नताशा जी यहाँ पर थोड़ी सी वो हो गई है, मैंने कॉमेडी किंग में यहाँ पर लेकर आया था कॉमेडी क्लब में, वो मैडम जी यहाँ पर कॉमेडी कर रही है। बट नताशा जी ने कोई ड्रिंक पिन ली जब मैंने बात वगैरह बताई, मैंने तो एक बियर ली थी नताशा जी के लिए, मैंने भाई ये ली थी। बट जब से मैंने इनको ये सब बात बताई है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल सी हो गई है, मेरे ऊपर चिल्ला रही है कि अरे तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, तुम खुद को समझते क्या हो, मैं तुम्हें यहाँ पर पैसा भेजती, तुम्हें उस जिमी की यहाँ पर गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी। अब यार देखो दोस्तों, खैर बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। नताशा जी को यार मैं समझाता हूँ, पर भाई नताशा जी समझें तब ना, नताशा जी समझें तब ना। बट यार देखो भाई, प्यार नताशा जी मुझसे बहुत ज़्यादा करती हैं और आज भाई उन्होंने यार साबित भी कर दिया दोस्तों, लिटरली बिल्कुल साबित कर दिया भाई, बहुत ज़्यादा। यार नताशा चलो यार मत रो, हो गई मुझसे गलती, आज के बाद नहीं करूँगा, आज के बाद कभी नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी सुनूँगा, सॉरी नताशा जी, प्लीज़ सॉरी यार, मान जाओ यार, आज के बाद बिल्कुल भी नहीं करूँगा, जैसा तुम बोल दोगी वैसे ही करूँगा, सॉरी 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 सॉरी। कॉमेडी तो देखो, वो लड़की कितनी अच्छी कॉमेडी कर रही है यार वहाँ पर, वो लोग कैसे खड़े होके देख रहे हैं। सॉरी यार नताशा, प्लीज़ मेरी इस गलती को पहली और आखिरी गलती समझ कर माफ़ कर देना, प्लीज़ यार नताशा, प्लीज़ 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 यार, प्लीज़ यार, पहली और आखिरी गलती थी, दिल से बोल रहा हूँ, आज के बाद ज़िंदगी में कभी तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ना ही तुमसे कोई बात यहाँ पर मैं छुपाऊँगा, प्लीज़ यार नताशा। नताशा जी आप भी अपने लिए ड्रिंक मंगवा लो। चलो खैर, मैं थोड़ा सा दोस्तों शर्मिंदा खड़ा है यहाँ पर थोड़ा सा भाई। फ्रैंकलिन नताशा जी अब उधर देख रही हैं, ये नाराज़ ही हैं मुझसे भाई, मान नहीं रही हैं। नताशा जी यार चलो छोड़ो गुस्सा, खैर दोस्तों चलो यार, मुझे नताशा जी को मनाने में यार थोड़े से भाई पापड़ तो बेलने पड़ेंगे, क्योंकि देखो उधर देख रही है उसकी तरफ को, कॉमेडी देख रही है, मेरी तरफ को भाई एक बार भी नहीं देख रही भाई, फ्रैंकलिन की तरफ तो फ्रैंकलिन चुपचाप खड़ा है नीचे को बात करके दोस्तों, बातचीत कर रहा है। पर खैर दोस्तों, प्यार मोहब्बत में सब कुछ गाइज यहाँ पर जायज़ है और चलता भी रहता है, ठीक है ना। बाकी यार मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी, क्योंकि दोस्तों लगी है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड ऑब्वियसली यार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर मेरे भाई लोग आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन दबा दो, और बताइए मुझे नताशा जी को यहां पर खुश करने का और इनकी नाराजगी दूर करने का दोस्तों कोई तरीका जो आपके पास हो, आपने कभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनाया तो एक बार प्लीज यार मेरी वाली के भी साथ बता दो, मेरी वाली मान नहीं रही है, कॉमेडी शो में भी लिया है अभी नहीं मान रही भाई, क्या करूं यार कैसे मानेगी। ठीक है गाइस, एक बार कॉमेंट करके जोर से बताना, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो लाइक कर देना एंड ऑब्वियसली शेयर जरूर कर देना, ठीक है। बाकी यार मैं मिलता हूं लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।